नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक सबसे बेहतरीन प्रिंटर और ऑल इन वन प्रिंटर और जेरोक्स मशीन के बारे में बात होने वाली है। आप अगर कोई और बिजनेस करते हो और आप साइड में जेरोक्स का बिजनेस करना चाहते हो, आपका वर्क छोटा है, उसके लिए कौन सा प्रिंटर बेहतरीन है जो जेरोक्स में भी आ सके, जो प्रिंटिंग भी कर सके और स्कैनिंग भी कर सके, और सबसे बेहतरीन ऑफिस यूज वाला प्रिंटर जो प्रिंटर है कैनन का MF3010 के बारे में बात होने वाली है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर, छोटे वर्क के लिए कौन सा मशीन बेहतरीन है, हमारे स्टार्टअप के लिए कौन सा मशीन लेना चाहिए, हमारे ऑफिस यूज के लिए कौन सा मशीन बेहतरीन है। ये छोटा मशीन है, लेकिन आप इसमें कई सारे काम कर सकते हैं, कई सारे वर्क इसमें आप कर सकते हैं, और ये हमारे बजट में आने वाला प्रिंटर है। और दोस्तों, ये है कैनन का MF3010। इस प्रिंटर की बात करें तो ये ऑल इन वन कैनन की तरफ से आने वाला प्रिंटर है। इसमें आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और जेरोक्स भी निकाल सकते हैं। ये बेहतरीन मशीन है क्योंकि इसमें आपको कार्टिज मिल जाती है। ये कार्टिज एक बार पूरी हो जाए तो इसको रिफिलिंग करना पड़ता है, और दोस्तों, ये कार्टिज के जरिए हमें पेपर पे प्रिंटिंग करके दे देता है। इसकी कार्टिज रिफिलिंग कॉस्ट भी कम आ जाती है, उसके बारे में मैं आखिर तक आपको बता दूंगा। और दोस्तों, इसकी स्पीड की बात करें तो ये एक मिनट में 18 पेजेस निकाल के दे देता है। ये छोटे काम के लिए काफी स्पीड हो गई है और ये ऑफिस यूज के लिए भी बेहतरीन है। इसी स्पीड में ये जेरोक्स निकाल के भी दे देता है और आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये USB से चलता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये वाईफाई से नहीं चलता है, इसमें वाईफाई आपको नहीं मिलता है। आपको वाईफाई का यूज करता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कई प्रिंटर की आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ भी आप जाके बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रिंटर की आगे की बात करें तो इसमें आपको 64 MB मेमोरी मिल जाती है। आप कई सारे डॉक्यूमेंट इसमें सेव करके भी रख सकते हैं। ये प्रिंटर सभी विंडोज में चलता है, आप मैकबुक में भी इसे चला सकते हो। और दोस्तों, इसके आगे की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी वाला प्रिंटर है। आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी बेहतरीन तरह से डार्क वाली निकाल सकते हो। और दोस्तों, इस मशीन की पेपर की साइज की बात करें तो आप A5 से लेके लीगल तक कोई भी प्रिंट निकाल सकते हो, A5, A4 लीगल तक कोई भी कागज इसमें निकाल सकते हो। दोस्तों, ऑफिस यूज और स्मॉल बिजनेस के लिए ये मशीन बेहतरीन है। इसकी कार्टिज भी कम से कम 200-300-400 रुपए में रिफिल हो जाती है। आप चाहो तो मैं इसकी रिफिल अपने आप कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर, ये कार्टिज कैसे रिफिलिंग होती है। और दोस्तों, इसकी प्राइस क्या है, इसके प्राइस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रिंटर कैसा लगा और आप कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं। और दोस्तों, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और आपको कोई भी क्वेश्चन है उसका तुरंत आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए टेक्निकल वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले कई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।